पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में, क्योंकि सांचा अब उसके अंदर नहीं है, इसीलिए वो फिर से वही पुराना ऑप्टिमस बन गया है, जो ना तो प्राइम था ना ही ऑप्टिमस। एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिसमें मेरे लिए कोई संदेश है। ऑप्टिमस कहाँ है? नहीं छोड़ेंगे अगर तुम मेगाट्रॉन के स्पेस ब्रिज का पता बता दो। स्पेस ब्रिज? उन्होंने मेरी निगरानी के बगैर स्पेस ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्पेस ब्रिज पर कब्जा हो जाएगा, हम जैक को बुलाएंगे। मुश्किल होगी उस पर कब्जा जमाए रखने में, जब तक जैक और मैं साइबरट्रॉन जाकर लौट नहीं आते। मैं और ऑप्टिमस प्राइम, ये कैसे हो सकता है? वेक्टर सिग्मा के ठिकाने के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना है जैक। कहते हैं सिर्फ प्राइम ही वहाँ जा सकते हैं। हम नजदीक हैं। वेक्टर सिग्मा यहाँ पर कैसे? केओन हमेशा से डिसेप्टिकॉन्स का शहर नहीं था। मेगाट्रॉन ने उस पर कब्जा किया था बिना इस जानकारी के कि इसके नीचे क्या है। किसी तरह के बड़े से बॉट बीटल ने हमला कर दिया है। यानी इंसेक्टिकॉन। क्या कहा? डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन पर क्या कर रहे हैं? कुछ वहीं पर रुक गए थे दुश्मन के लौटने का इंतजार करते हुए। जैक जाओ। सच में? आरसी के बिना उसे राह कौन दिखाएगा? नहीं नर्स डाबी, आरसी जैक का बैकअप है, उसे राह तो चाबी दिखाएगी। जल्दी जाओ। उसकी बात मानो जैक, तुम उसके बहुत करीब हो, ऑप्टिमस को तुम ही बचा सकते हो। हाँ ठीक है मॉम। ओरायन,
प्रोजेक्ट आयाकॉन का काम कहां तक पहुंचा? लगता है मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। कहीं इसकी वजह काम के अलावा देर तक की गई तुम्हारी रिसर्च तो नहीं? क्या मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है? इतिहास में मुझे धोखेबाज ऑटोबॉट्स का साथी क्यों बताया गया है और स्टारस्क्रीम ने मुझे प्राइम क्यों कहा, मैं जानना चाहता हूं आखिर मैं कौन हूं। तुम मेरे क्लर्क हो, अब काम करो और जल्दी डेटाबेस डिकोड करो। नहीं, इससे पहले कि तुम मेरे काम का गलत इस्तेमाल करो, मैं उसे मिटा देना ही सही समझूंगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी रिसर्च की हुई इतनी कीमती जानकारी की कॉपी नहीं बनाएंगे? हमारे एक इंसेक्टिकॉन साइबरट्रॉन पर हरकत में है। तुमने ये क्यों कहा कि हमारे प्लैनेट पर कुछ भी नहीं बचा? सवाल पूछना बंद करो वीरो, और तुम मेरे लौटने तक प्रोजेक्ट आयाकॉन पूरा कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इसका मतलब मेरा स्पेस ब्रिज साइबरट्रॉन पर जाने के लिए इस्तेमाल किया और उसे खुला छोड़ा है। ऑटोबॉट सिर्फ एक ही मकसद के लिए इतना खतरा उठा सकते हैं, ऑप्टिमस को पहले जैसा बनाने के लिए। खुशखबरी है, मैं पहुंच गया। अरे वाह,
ये तो कमाल है। डाउनलोड शुरू हो गया शायद। ऑप्टिमस लौटेगा। तुमसे रोकने को किसने कहा ओरायन पैक्स? जरूर मेगाट्रॉन प्रोजेक्ट आयकॉन की जानकारी हासिल करके ऑटोबॉट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है। प्लीज हमें उन्हें सावधान करना चाहिए। इसमें काफी वक्त लग रहा है। हाँ वो तो लगेगा ही। प्राइम्स के ज्ञान को जमा करना कोई मामूली बात नहीं। स्क्रैपलेट्स आ गए। ये स्क्रैपलेट क्या होता है? स्क्रैपलेट्स इसी वक्त क्यों अटपके? अगर वो मैट्रिक्स को उसमें समाने से पहले वेक्टर सिग्मा को खा गए तो वेक्टर सिग्मा किस्सा नहीं हकीकत है। तुम ऑटोबॉट्स ने अपने लीडर को बचाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। आइंदा मैं तुम्हें कभी भी कम समझने की गलती नहीं करूंगा। अब आरसी इस पोर्टल से आएगी और उसी के हाथ में होगा दोबारा भरा गया मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। हम तुम्हें उसे हासिल नहीं करने देंगे। जैक, नहीं रुकना मत। आरसी, आगे मत बढ़ना। Hey guys, जाओ पेट भर के खाओ। जो चाहिए था मिल गया तो चलो।
सच कहूं तो आज ऑटोबॉट्स के लीडर को पीटने में बहुत मजा आ रहा है। नहीं, प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे पास हथियार हैं। बस पहुंचने वाले। रैचेट, मैट्रिक्स मिल चुका है, हम लौट रहे हैं। रैचेट, कुछ गड़बड़ है। हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए या नहीं? आ जाओ आरसी, ताकि मैं उस जड़ को ही मिटा दूं जो प्राइम्स पैदा करती है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता मेगाट्रॉन। तुम्हारा उससे क्या वास्ता ओरायन पैक्स? तुम प्राइम नहीं हो? शायद ये सच हो या फिर एक और धोखा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऑटोबॉट्स सही हैं और तुम गलत, और तुम हम में से नहीं हो। तुम्हारा दिल अब तक बदला नहीं है, वैसा ही है। लेकिन अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो पहले तुम्हें काफी कुछ सीखना होगा। लेकिन अफसोस, वो वक्त कभी नहीं आएगा। क्या तुम्हें लगता है मैं इसका हकदार हूं? और कोई हो भी नहीं सकता। तुमसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब चुपचाप सांचा मुझे दे दो। मेगाट्रॉन, सुधर जाओ। रैचेट, हम यहां कैसे पहुंचे? लंबी कहानी है दोस्त। बेस टू आरसी, हमें 5 ऑटोबॉट्स के सिग्नल मिल रहे हैं। क्या प्राइम तुम्हारे साथ है? हाँ, और जैक भी। यस। चलो, खुल गया। ऑटोबॉट्स, वापस चलो। इस बार हम इन्हें खोएंगे नहीं।
तुम कैसे हो रैक? इन्हें हम सब याद है। हालांकि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे बिल्कुल याद नहीं। ऑप्टिमस, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी थी, पर एक बात साबित हो गई। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम हमेशा एक ऑटोबॉट ही रहोगे।